फ्रेंड्स, आज हम आपको ग्रामर के बारे में बताने जा रहे हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर के बारे में कई क्वेश्चन उठते हैं कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर देख लीजिए। ग्रामर वह विधा है जिसकी सहायता से किसी भी भाषा को चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, तो किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा जाता है। तो इस प्रकार ग्रामर की परिभाषा को हम कह सकते हैं कि ग्रामर के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, तो सीखा जाता है। फिर अब आप एक चीज़ और समझिए कि ग्रामर की सबसे छोटी इकाई हम लेटर्स कह सकते हैं, ठीक है, या ग्रामर की सबसे छोटी इकाई लेटर्स ही होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा नर्सरी से पढ़ना शुरू करता है तो उसको वहाँ जो है अक्षर का ही ज्ञान दिया जाता है। सबसे पहले अक्षर का ही ज्ञान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लेटर्स, अक्षर ही जो है ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है। यही से जो है बच्चा पढ़ना, लिखना, बोलना सीखता है। तो इसी को हम ग्रामर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। आप देखिए, अब मैं आपको लेटर्स की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। लेटर्स की परिभाषा क्या होती है? लेटर्स, लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो लेटर्स की परिभाषा आप इस प्रकार समझिए कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हीं को अक्षर कहते हैं। अब अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 26। तो इन 26 अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। इन अक्षरों को अगर व्यवस्थित क्रम से ए से जेड तक क्रमबद्ध अनुसार जो है लिख दिया जाए तो वही जो है वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला जो है अल्फाबेट्स आपका वर्णमाला है। तो और इनको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? इन अक्षरों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो कैपिटल लेटर्स, नंबर दो स्मॉल लेटर्स। आप देखिए, कुछ अल्फाबेट्स के बारे में मैं जान लीजिए। अल्फाबेट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। अल्फाबेट्स जो आपके ए से जेड तक अक्षर होते हैं, इन्हीं को तो अल्फाबेट कहते हैं। तो इन अल्फाबेटों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक वावेल, वावेल मीन्स स्वर, जिन अक्षरों को बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से बोला जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। और ये संख्या में 5 होते हैं। कितने? 5, ए ई आई ओ यू। नंबर दो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में होता है व्यंजन, जिन अक्षरों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है, 21 होती है। ए से जेड तक ए ई आई ओ यू, इन 5 स्वरों को छोड़ करके बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये सारे जो है व्यंजन में आते हैं।